भाई बहुत लेंथी था, इजी था, बट लेंथी था, आज से ज़्यादा लेंथी था। नहीं, एथिक्स पेपर तो लेंथी ही होता है क्योंकि प्रैक्टिस, मेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट मॉक पेपर्स, दैट इज द की। इट डजंट मैटर हाउ मच यू नो, हाउ मच यू स्टडी, इन द एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू राइट इन द पेपर, दैट विल। बहुत ही लेंथी पेपर था, बहुत 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 ही ज़्यादा लेंथी पेपर था। अच्छा, हाँ ईजी था। अच्छा, बदलाव इतना कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। अरे बहुत लेंथी पेपर था भाई। सर बात करते आज के पेपर के बारे में, कैसा लगा सर? भाई बहुत लेंथी था, इजी था, बट लेंथी था, आज से ज़्यादा लेंथी था। बिल्कुल, पेशेंस का टेस्ट था, स्किल्स का टेस्ट था, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज का टेस्ट नहीं था। इतने बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत नर्वस हो सके, उदास हो सके, किसी भी टाइम नहीं दे रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि इतने आखिर उदास क्यों सर इस समय? सर ये तो मैंने पता नहीं, किसी से बात नहीं करी, उदास उदास का तो मुझे क्या पता। हाँ। मैंने खुद का पेपर कर दिया पूरा, और क्या करें। अच्छा अच्छा, यही कर सकते। अच्छा, हैं सर एक लास्ट सवाल है कि आखिर आज आपने जीएस के सारे पेपर कम्प्लीट कर दिए हैं, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो मेंस लिख रहा है उससे यूपीएससी क्या मांगती है? उससे यूपीएससी मांगती है, पहली चीज़ है डेडिकेशन, दूसरी चीज़ है कंटिन्यूटी, और तीसरी चीज़ है क्यूरियोसिटी। अगर आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी है ना किसी चीज़ को लेकर, और उसने थोड़ा सा भी उस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, वो पार कर जाएगा। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप का आज सवाल आया था, और उसके बारे में हमारी क्यूरियोसिटी थी तो हमने देख लिया, वो सवाल हो गया। और फोटोकेमिकल स्मोक जो है बच्चे छोड़ के जाते हैं, वो मैंने पढ़ा हुआ था पहले, वो अभी तक याद था। क्यूरियोसिटी होगी तो आदमी जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी कर लेगा, बिल्कुल, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और डेडिकेशन के बिना तो कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, हाँ बोलिए। कैसा हुआ आपका एग्जाम? एवरेज हुआ। अच्छा सर, बहुत बता रहे कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था, लेंथी पेपर था, ऐसा कुछ? लेंथी पेपर था, डिफिकल्ट पेपर नहीं था। अच्छा, लेंथी पेपर था। तो न्यू एस्पिरेंट को आप क्या बताना चाहेंगे सर? प्रैक्टिस, मेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट मॉक पेपर्स, दैट इज द की। It doesn't matter how much you know, how much you study, in the end, how much you are going to write in the paper, that will matter. Okay. So practice. Thank you sir. भैया कैसे हो? बढ़िया यार। कैसा लगा आज? अरे बहुत लेंथी पेपर था भाई, बहुत। भैया सारे लोग बोल रहे हैं कि आज तक की यूपीएससी में सबसे ज़्यादा लेंथी है, मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं है, इसलिए है क्योंकि केस स्टडी में पाँच पाँच क्वेश्चन थे। अच्छा, हर केस स्टडी में पहले क्या होता था कि मेरिट डिमेरिट नहीं लिखना होता था। अच्छा। लेकिन अब इसमें हर केस स्टडी में मेरिट डिमेरिट, पाँच क्वेश्चन, चार पेज भरना, वो भी थ्योरी पार्ट में, क्या नाम, इतने बड़े बड़े उसके वो थे, क्या नाम, पढ़ने के लिए। हाँ। तो उसमें भी टाइम लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परेशान हो गए होगा, थके हुए लग रहे हो, क्या अभी कैसा लग रहा है आपको? अरे भाई सेटिस्फेक्शन लग रही है, फिनिश हो गया जीएस पेपर। अच्छा, चलो ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ भाई। सर एथिक्स का पेपर कैसा हुआ आज आपका? बहुत ही लेंथी पेपर था, बहुत 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 ही ज़्यादा लेंथी पेपर था। अच्छा, मतलब केस क्वेश्चंस भी ऐसे आए थे कि लग रहा है जैसे केस स्टडी जैसे हो। अच्छा। बहुत लेंदी पेपर था एथिक्स का, बहुत ही ज़्यादा लेंदी। तो सर आपको क्या लगा कि दोनों पेपरों में, आज के पेपर्स में आपने अच्छे अच्छे, आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी रही ना सर? नहीं, पेपर फोर तो उतना अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर फोर बहुत ही लेंदी आया है, ऐसा एथिक्स पेपर तो मैं तीसरी बार दे रहा हूँ, मैंने भी नहीं दिया। अच्छा, तो फिर इसकी तुलना में पिछली बार आपका अच्छा गया था? हाँ, पिछली बार आज के टाइम में बेटर गया था, बाकी देखते हैं क्या होता है। मार्किंग वार्किंग आपने अटेंड किए अच्छे से? नहीं, सारे तो हो ही नहीं पाए। अच्छा सर, और कुछ बताना चाहोगे आप? बस और तो कुछ बताने को है ही नहीं आज। लेंथी पेपर था, तो आपको क्या लगा कि आज आखिर लेंथी पेपर था या नॉर्मल था? नहीं, एथिक्स पेपर तो लेंथी ही होता है, क्योंकि इस साल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी लेंथी थे, मतलब चार पाँच लाइन के थे। बिल्कुल। और जो केस स्टडी होते हैं वो तो लेंथी ही होते ही हैं। जैसे मैंने खुद मतलब 30 नंबर का मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो सर आखिर आपकी क्या गलतियाँ रहेगी ताकि 30 नंबर का नहीं पाए, या फिर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कमी रही, कहाँ कमी रही वहाँ पे पूरा अटेंड नहीं कर पाया? मतलब कि हो सकता है कि प्रैक्टिस की कमी रही हो, लेकिन अब बाकी तीन पेपरों के अपेक्षा ये पेपर काफ़ी लेंदी था, क्योंकि बाकी तीन पेपर मैं कंप्लीट कर चुका था, ये पेपर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसी मतलब स्पीड से लिख रहा था। ओके सर, जीएस के सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आपको किस प्रकार का फील हो रहा है? सारा स्ट्रेस मुझे लगता है ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मेन तो ऑप्शनल होता है, मतलब आधा तो स्ट्रेस कम ही हो गया है। बिल्कुल। लेकिन अभी ऑप्शनल बचा हुआ है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ओके। क्वालिफिकेशन में न्यू एस्पिरेंट को अपने क्या संदेश देना चाहेंगे सर? न्यू एस्पिरेंट के ये संदेश देना चाहेंगे कि मतलब कि राइटिंग प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, पहले जब आप बेसिक तैयार कर लें तो आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर लिखना आसान काम नहीं होता है। ओके, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले ही प्रयास में आप आईएएस बने प्रॉपर। नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ओके, थैंक यू सर।